The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? सब लोग चुस्त हैं? चुस्त, स्वस्थ और खुश होना चाहिए। बच्चों को कैसा होना चाहिए? चुस्त, स्वस्थ और खुश, है ना। मैंने पहले बताया था आपको, चुस्त मतलब एक्टिव, स्वस्थ मतलब हेल्थी और खुश मतलब हैप्पी। तो इफ़ यू आर एक्टिव एंड हेल्थी यू विल बी हैप्पी, है ना। तो हैप्पी चिल्ड्रेन है ना आप लोग सब। बताइए पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? यस, पिछली कक्षा में हमने एक लेख, एक समाचार देखा था, है ना। क्या नाम है, क्या हेडिंग था उस समाचार का? इंसानियत की, इंसानियत की मिसाल, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, इंसानियत की मिसाल, एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, याद है ना। तो इसको हम एक और बार देख लेते हैं। उसके लिए मैंने कुछ सवाल बोर्ड में लिखा है, ये सवाल आपको फाइल में लिखना है और इसका जो जवाब है वो भी आपको अपने हाथ में फाइल और किताब रख लीजिए, पेन भी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आप अपनी फाइल में लिखना, ठीक है। देखिए पहला क्या है सवाल, उत्तराखंड में क्या आया था? उत्तराखंड में व्हाट हैपेंड इन उत्तराखंड? ये सैलाब आया था। सैलाब होता है फ्लड, है ना। तो उत्तराखंड में सैलाब आया था। उत्तराखंड में कहाँ सैलाब ने तबाही मचाई? वेयर इन विच प्लेस उत्तराखंड द सैलाब कॉज लॉट्स ऑफ डैमेज? उत्तराखंड में बद्रीनाथ में सैलाब ने तबाही मचाई, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ, किस तरफ, कहाँ, यू हैव टू राइट बद्रीनाथ। उसके बाद वहाँ कितने दिनों से लोग फंसे हुए थे? सिंस हाउ मेनी डेज पीपल वर स्टक देयर? वहाँ 18 दिनों से, 18 डेज ना, 18 दिनों से बुक में लिखा है, तो 18 दिनों से, 18 डेज लोग फंसे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वहाँ कौन बुरी तरह फंस गए थे? कौन बुरी तरह मतलब हु वर स्टक देयर बैडली? वहाँ हजारों तीर्थयात्री, है ना, हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उसके बाद उन्हें कैसे बाहर निकाला गया? हाउ दे वर टेकन आउट, हाउ दे वर रेस्क्यूड? उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। ये सब आपकी किताब में है, ठीक है। तो स्पेलिंग देखकर लिखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। राजीव शर्मा और पारीख ने क्या किया, को याद है ना? राजीव शर्मा लखनऊ से और पारीख कहाँ से थे? राजस्थान से थे। दोनों ने अपना, उनको उनकी बारी आई लेकिन वो जाने से मना कर दिया, दे डिन गो, दे गेव द चांस टू अदर्स, अदर पीपल, इज़न्ट इट। तो कैसे लिखेंगे वो? राजीव शर्मा और पारीख ने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया, ठीक है। इस घोर प्रलय में, लास्ट वन, इस घोर प्रलय में क्या रह गया? What was left after this flood? इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया लेकिन इंसानियत रह गई, ठीक है। तो इस तरह हम इस लेसन को अच्छी तरह समझ के लिखिए बच्चों। अब हम देखते हैं इसका अगला पाठ भाग। अगला पाठ भाग एक कविता है, उस कविता का नाम है मुरझाया फूल और इसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अपनी किताब अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ पढ़िए। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत।
गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदें टपका देना प्यारे, जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। ठीक है, बहुत सुंदर कविता है, इसका मीनिंग भी बहुत सुंदर है। देखें इसका मीनिंग, यह मुरझाया हुआ फूल है। क्या मतलब है इसका, ये फूल कैसा है, मुरझाया हुआ है। मुरझाया मतलब वाड़ी फूल, विदर्ड फ्लावर। ओके, तो इसका हृदय दुखाना मत, इसके हृदय में ऑलरेडी दुख है, दुखी है, तो उसको और दुख नहीं देना। ओके, हमें उसको और दुखी नहीं करना। स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ मतलब पेटल्स, वो पेटल्स स्वयं ही गिर जाएंगे, है ना, स्कैटर हो जाएंगे। तो हम उसको प्लक करके उसको स्कैटर नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बिखरने वाली पंखुड़ियाँ उसको हम लोग उसको हर्ट नहीं करना है। ठीक है, स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत, डोंट स्कैटर द पेटल्स विच इज़ ऑलरेडी गोइंग टू स्कैटर बाय इट्सेल्फ। ओके, गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत। क्या मीनिंग है यहाँ पे, गुजरो मतलब उसके पास से अगर हम चलते हैं जाते हैं तो उसे चोट नहीं पहुंचाना है। चोट मतलब वूंड, है ना। सो उसके पास से जाते समय वी शुड नॉट हार्म इट और वी शुड नॉट हर्ट इट। ओके, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। जीवन की अंतिम घड़ियाँ, अंतिम मतलब लास्ट, घड़ियाँ मतलब मोमेंट्स। ओके, टाइम, सो उसका जो मुरझाए फूल है तो ऑलरेडी वो इट इज़ गोइंग टू डाई विद इन सम डेज, तो उसका अंतिम घड़ियाँ हैं ये। तो ऐसे समय में हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इसको और रुलाना नहीं चाहिए। रुलाना मतलब करी पिक्यूगा, हाँ, वी शुड नॉट मेक इट क्राई। ओके, सो वी शुड नॉट हर्ट इट एंड वी शुड नॉट मेक इट क्राई। तो ऑलरेडी इट इज़ disturbed and it is very sad. Okay, so here children, कवियत्री किसके बारे में कह रही है यहाँ पे, मुरझाए फूल के थ्रू वो किसके बारे में बताना चाहती है, what is मुरझाए फूल symbolizing here? ये हमें जो लोग suffer कर रहे हैं, that is suffering, those who are undergoing lots of sufferings, जैसे बूढ़े लोग, old people, old age लोग जो हैं, और गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, तो ऐसे लोग कैसे हैं, दुखी हैं, है ना, उनके मन में पूरा दुख है। तो ऐसे लोग जो ओल्ड पीपल हैं वो कैसे हैं, बीमार रहते हैं, दे आर वीक एंड दे आर ओल्ड एंड दे आर दे कांट डू एनीथिंग। सो ऐसे लोग क्या हैं, बहुत दुखी होते हैं, अपने हृदय, उनके हृदय में बहुत दुख होता है। तो ऐसे लोगों को हमें और दुख नहीं देना चाहिए, उनको और हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको रुलाना नहीं चाहिए। ओके, तो कवियत्री यहाँ पे मुरझाए फूल के द्वारा हमें किसके बारे में बता रही है, गरीब और बूढ़े लोगों के बारे में कह रही है। तो ऐसे लोगों को हमें, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, व्हाट वी कैन डू फॉर देम। वो देखिए थर्ड स्टैंजा, अगर हो सके तो ठंडी बूंदें टपका देना प्यारे। जैसे जो मुरझाए फूल में हम थोड़ा पानी छिड़कते हैं तो वो थोड़ा ताज़ा हो जाता है, वैसे ही जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको अगर हम थोड़ा हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, उनको खुशियाँ मिलेगी ना। जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। तो ऐसे लोगों को जो दुखी हैं, तो उनको हम थोड़ा उनकी मदद करके हम उनको शीतलता दे सकते हैं, उनको आश्वासन दे सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे मीनिंग आ रहा है। तो जो दुखी लोग हैं, जैसे मुरझाए फूल जैसे हैं वो, तो उनको हमें और हर्ट नहीं करना है, उनको हम मदद करके उनको थोड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। तो इस पोएम को आपको अपनी फाइल में लिखना है और इसमें मीनिंग आपको, वो किताब में जो मीनिंग है वो भी आपको फाइल में लिखना है। ठीक है बच्चों, सो इतना ही इस हफ्ते, अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।